लॉकडाउन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन शुरू हुए 5 महीने बीत चुके हैं। रविवार से लागू हुए फ्लाइट के विंटर शेड्यूल में उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में एविएशन सेक्टर की हालत में सुधार होगा, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट को छोड़ दें तो प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो सकी है। किस तरह के बदलाव हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पर, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले कुछ सालों में उदयपुर एयरपोर्ट पर एविएशन का पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिल रहा था। पिछले साल सर्दियों के सीजन में यहां से रोज औसतन 18 फ्लाइट संचालित हो रही थी। उदयपुर एयरपोर्ट जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है, जो कि पर्यटन के लिहाज से उदयपुर काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ से हवाई सेवाओं का संचालन भी बेहतर हो रहा था, लेकिन इस बार पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद फ्लाइट संचालन के हालात बेहद खराब है। उदयपुर एयरपोर्ट से फिलहाल 6 फ्लाइट का शेड्यूल है, इनमें से भी रोज 1 या 2 फ्लाइट रद्द हो जाती हैं। ऐसे में रोज औसतन 4 या 5 फ्लाइट ही चल पा रही हैं। इस बारे में उदयपुर एयरपोर्ट की निदेशक नंदिता भट्ट का कहना है कि कोविड-19 के चलते अभी कम संख्या में फ्लाइट संचालित हो रही है। यात्री भार कम होने पर कई बार ऐन वक्त पर भी फ्लाइट रद्द करनी पड़ जाती है। उदयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित, उदयपुर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में चलेंगी 6 फ्लाइट। इंडिगो की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट, विस्तारा की दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट, एयर इंडिया की दिल्ली की 1 फ्लाइट संचालित। जोधपुर एयरपोर्ट पर भी कमोवेश यही हालात है। रविवार से यहां फ्लाइट का विंटर शेड्यूल लागू हुआ है, लेकिन अभी भी यहां से रोज औसतन 3 या 4 फ्लाइट ही चलेंगी, जबकि बीते सालों में यहां से एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई थी। जोधपुर से पिछले साल इंदौर, सूरत, अहमदाबाद समेत 7 शहरों के लिए फ्लाइट चल रही थी, लेकिन अब केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर के लिए ही फ्लाइट चलेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित, जोधपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइट्स का होगा संचालन। इंडिगो की चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु की 3 फ्लाइट्स चलेंगी। विस्तारा की दिल्ली के लिए फ्लाइट 3 दिन ही संचालित होंगी। एयर इंडिया की दिल्ली की फ्लाइट 3 दिन चलेगी। वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट से जयपुर और सूरत की एयर कनेक्टिविटी भी बंद हो गई है और किशनगढ़ से 4 फ्लाइट हर दिन चल रही है। एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित, जैसलमेर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट संचालित हो रही है। ट्रू जेट की अहमदाबाद के लिए 1 फ्लाइट है, स्पाइस जेट की मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 1-1 फ्लाइट है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से हर दिन 4 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। स्पाइस जेट की 3 फ्लाइट उपलब्ध, अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू हुई। स्पाइस जेट की हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट पहले से उपलब्ध है। स्टार एयर की इंदौर के लिए 3 दिन, अहमदाबाद के लिए 4 दिन फ्लाइट उपलब्ध है। जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की तुलना में किशनगढ़ एयरपोर्ट से अपेक्षाकृत अधिक फ्लाइट संचालित हो रही हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 10 नवंबर से अहमदाबाद के लिए स्टार एयर की 1 नई फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि हमारे एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में अहमदाबाद की फ्लाइट रिज्यूम हुई है, जो कि पहले बंद हो गई थी। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट पर एयर कनेक्टिविटी कम हुई है। बीकानेर एयरपोर्ट से कोरोना से पहले दिल्ली और जयपुर के लिए 2 फ्लाइट संचालित हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली की मात्र 1 फ्लाइट संचालित होगी। बीकानेर से जयपुर के लिए संचालित एयर इंडिया की फ्लाइट बंद हो गई है। कुल मिलाकर कोरोना के चलते एविएशन सेक्टर के हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना का असर कम होने पर ही फ्लाइट संचालन बढ़ सकेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।